जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, लगातार जैसे ही आपको पता चला कि 6 to 8 में वैकेंसियां आ रही है, वैसे ही आपके मन में सैकड़ों प्रश्न दौड़ गए होंगे। अब सैकड़ों प्रश्न इसलिए दौड़े होंगे कि क्या डीएलएड वाले भी 6 to 8 में अप्लाई करेंगे, क्या सिर्फ बीएड वाले अप्लाई करेंगे, कैसे करें तैयारी, बिना सिलेबस का क्या होगा, कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या उम्र सीमा क्या रहेगी, अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगी, कई तरह के प्रश्न आपके मन में दौड़ रहे होंगे। उसी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो योग्यता है, वो क्या रहने वाला है, सिर्फ डीएलएड या बीएड दोनों लोग रहेंगे, इन सब के जो इन सब से रिलेटेड जो प्रश्न आपके मन में उपज रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपके लिए लेकर क्या है। साथियों, हर एक इंसान को संतुष्ट करना हमें लगता है भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे संभव नहीं है। हर एक इंसान को संतुष्ट करना भगवान से संभव नहीं है, तो हम क्या चीज है नहीं। अब कुछ लोगों के मन में आता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बिना सिलेबस तैयारी कैसे होगा। आप इंतजार करिए सिलेबस का, इस सिलेबस आने के बाद आपको 15 दिन का समय देगा, फिर कहिएगा कैसे पढ़े, क्या करें, नहीं करें। और उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका होगा, आपका होगा। इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। आप ग्रेजुएट पर्सन है, आप बीएड किए हुए हैं, आप डीएलएड किए हुए हैं, आप बीएलएड किए हुए हैं, और आप उसके बाद भी खोज रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा, कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। पूर्व के एग्जाम को देखिए, 1 to 5 का एग्जाम हुआ है, 9-10 का एग्जाम हुआ है, 11-12 का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी ने किस तरह एग्जाम ली है, उसको फॉलो करिए, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। हमारी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो खैर कोई बात नहीं है। उलूल जुलूल कुछ लोगों का आदत हो जाता है कमेंट करने का, ठीक है, खैर उनका भगवान भला करे। आइए देखिए, हम बात करने वाले सिलेबस पर हर एक बिंदु पर सर चर्चा करेंगे आपसे, और चर्चा ही नहीं करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से 100% पूरा सफलता तक पहुंचाने में एकदम एक अहम भूमिका, एक अहम योगदान निभाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों बीपीएससी शिक्षक 6 to 8 सिलेबस की, कैसे करें तैयारी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, और ये सवाल बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसके बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ें, कैसे करें तैयारी, ये आपको जैसे जैसे सिलेबस को देखेंगे उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि फॉर्म डीएलएड वाले भी भरेंगे जो 6 to 8 पास होंगे, और बीएड वाले भी भरेंगे जो 6 to 8 पास होंगे। हो सकता है मौका अपीयरिंग वाले को भी दे दे तो वो लोग भी भरेंगे, अगर नहीं दिया तो वो लोग वंचित रह जाएंगे। लेकिन फॉर्म आपको डीएलएड, बीएड ये सब भरेंगे, डीएलएड वाले भी भरेंगे, एकदम डीएलएड वाले जो हैं निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, आप भरेंगे, और बीएड वाले जो हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होगा कि आपको 6 to 8 का जो है वो सीटेट वगैरह जो है, सीटेट या बीटेट आपको पास होने होंगे, तो पास लोग ही भरेंगे, ये बात तो क्लियर हो गया। अब फॉर्म कितना भरा जाएगा, कितना कंपटीशन होगा, तो कम से कम सर, कम से कम हमें लगता है, क्योंकि पूर्व में आपको पता होगा कि बिहार के ऐसे कम से कम 1.25 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो 6 to 8 सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। कुछ जो 6 to 8 में पहले से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, वो भी 6 to 8 में पुनः भरेंगे, इसलिए भरेंगे कि यहाँ राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। इस बात को नोटिस करिएगा, यहाँ राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। लगभग हमें लगता है कि 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, तो कम से कम 50-60 हजार तो 6 to 8 में पहले से हैं, उसके बाद कम से कम 50-60 हजार बैठे हुए 6 to 8 पास करके टीचर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1.25 लाख, 1.5 लाख तो यही हो गए। फिर अब डीएलएड के अभ्यर्थी जो सीटेट पास होंगे 6 to 8 वो आएंगे, बीएड के सारे लोग उतर करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म का संख्या अच्छा खासा रहेगा। लेकिन आपके पास होंगे 52 हजार पद, ये बात आपको पता है, इसी 52 हजार में चाहे 4 लाख आ जाए, चाहे 5 लाख आ जाए, इसी 52 हजार में सिलेक्शन होना है, 52 से 53 नहीं होगा, तो 52 हजार में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक सबसे अहम जानकारी आपको दे दें साथियों, नीचे 2 नंबर जो चल रहा है उसको सेव करके रख लीजिए, सक्सेस की 92 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल सक्सेस की 92 का है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए।
100% हर एक स्टेप आपको मदद करने के लिए तैयार है 68 में। अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगी साथियों? बस पता है जनरल कैटेगरी में 37 वर्ष रहता अधिकतम, उसके बाद आपको ओबीसी है तो 40 वर्ष रहेगा और एससी है तो 42 वर्ष रहेगा मैक्सिमम। तो ये एकदम क्लियर है, 37 से लेकर के 42 वर्ष तक का आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ जो अगला प्रश्न है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस योग्यता वही है कि आप सबसे पहले स्नातक हो, आप क्या हो, ग्रेजुएशन किए हो, न्यूनतम स्नातक, उसके साथ आप डीएलएड हो या आप बीएलएड हो, ठीक है, बीएलएड हो या आप बीएड हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो इनके साथ होना चाहिए स्नातक के साथ, स्नातकोत्तर है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या डीएलएड वाले 6-8 में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आपके मन का प्रश्न है ये एकदम अभी एकदम खत्म कर लीजिए इस परेशानी को, आप भर सकते हैं, इस बात को एकदम याद रख लीजिए। अब आगे सिलेबस भी हमारा है, सब कुछ नोट किया हुआ, आप देखेंगे। अब सबसे अहम सवाल है साथियों, हम 8227871973 ये जो नंबर उपलब्ध आपको कराते हैं इस पर व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप, और आपको लिंक जाएगा एक, उस लिंक को आप लोगों को क्या करना है, उस लिंक से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, उसके बाद आपकी इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, 100% सफलता यदि चाहते हैं तो, ठीक है। अब इसको इसके बाद क्या होगा, यदि देखिए सोने वाले लोग जो होते हैं वही बाद में पश्चाताप करते हैं और वही करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो सिलेबस हमारा क्या होगा, इस नंबर को सेव कर लीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और सिर्फ एक बात लिखिए कि सर 6-8 का क्लास करना है, 6-8 का क्लास करना है। तो क्लास के लिए आप लोगों के लिए क्लास ओपन किया जा चुका है, 15 तारीख से आपका क्लास चलेगा, 15 तारीख से रफ्तार में। अब कहेगा सिलेबस के बिना कैसे, तो है भैया सिलेबस। अब देखिए एक बात समझिए, पहले आप यहां देखिए सिलेबस जो है आपको पता होना चाहिए, 1-5 में भी 120, 9-10 में भी 120 और 11-12 में भी 120, मतलब 120 तो फिक्स है कि 120 अंकों का आपका जो है एग्जाम होगा। अब जब 120 अंकों का होगा तो जहां से विषयगत एग्जाम होता है वहां दो पार्ट हो जाते हैं, 80 और +40। तो चूंकि आपको 6-8 में विषयगत एग्जाम होना है, आप विषय विशेषज्ञ शिक्षक बनने वाले हैं, तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये 80 जो होगा वो आपको विषय से होगा और ये जो 40 होगा ये अनुमानित, अब ये नहीं कहेगा कि 100% मिल सकता है, 100% यही, ठीक है, ये अनुमानित ये 40 अंक जो होंगे, इतिहास से 8 अंक पूछेगा आपको, भूगोल से 8 अंक पूछेगा आपको, मैथ से गणित 8 को प्रश्न पूछेगा आपको, करंट अफेयर से 7-8 प्रश्न पूछेंगे आपको और साइंस से 8 प्रश्न पूछेंगे। ये आपका क्या है, ये आपने जो 10th तक पढ़ाई किया है वो कुछ आपको याद है कि नहीं है, उस तरह से 10th बेसिस का चीजें ये आपको पूछेगा, ठीक है। ये 40 अंक यहां से रहेंगे और 80 अंक कहां से रहेंगे, तो 80 अंक जो आपका रहेगा साथियों ये यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से 80 अंक विषय से रहेगा आपका। अब कहिएगा साइंस वाले का क्या होगा, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको गणित के साथ विज्ञान का प्रश्न भी पूछा जाएगा, 6-8 में साइंस का मतलब गणित और विज्ञान दोनों के शिक्षक होते हैं, गणित के शिक्षक, अगर आप गणित से स्नातक हैं तो भी आप गणित विज्ञान के प्रश्न को हल करेंगे और अगर विज्ञान के शिक्षक हैं तो भी आप गणित और विज्ञान के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। स्पेशली नहीं होता, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, लेकिन क्यों, तो चूंकि अब बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट हो पाएगा कि कहीं गणित को अलग और विज्ञान को अलग तो नहीं कर रहा, लेकिन 99% चांस है अलग नहीं करेगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है। गणित है तो भी आपको गणित और विज्ञान से प्रश्न पूछेगा, तो आप कहिएगा गणित के हैं तो गणित पढ़िए और विज्ञान के हैं तो विज्ञान पढ़िए, अगर विज्ञान वाले को खाली विज्ञान रहेगा तो आप विज्ञान तब तक पढ़े रहिएगा 15 दिनों में, और गणित वाले को खाली गणित रहेगा तब तक 15 दिनों में गणित को रपट करके रख दीजिएगा, तो बचेगा आपको क्या, जो बच जाएगा वो सिलेबस, वो मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद जो बचा हुआ रहेगा उस पर मेहनत कर देना है, आसानी से सफलता मिल जाएगा।
तो ये तरीका अपनाना होता है सर। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कुछ न कुछ स्पेशल करना होता है, ठीक है। सफल वही होते हैं, दिन भर तो सारा स्टूडेंट पढ़ता है लेकिन सफल उसी में से एक होता है, दो होता है, क्यों? क्योंकि उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। इस बात को सामाजिक विज्ञान के यदि आप शिक्षक हैं तो इतिहास, भूगोल और जो आपका नागरिक शास्त्र है, जो आपका राजनीति शास्त्र है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। बस तीन से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप, ठीक है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाँ एक दो प्रश्न रह सकता है, 90% नहीं 99% आपको बस इसी तीन से प्रश्न रहेंगे। भाषा की बात करेंगे, हिंदी से हो, संस्कृत से हो, उर्दू से हो, अंग्रेजी से हो, तो आपको भाषा में क्या, तो भाषा में आपको व्याकरण का दबदबा रहेगा, 70-80% व्याकरण से ही प्रश्न रहेंगे, 25-30% आपके बुक से रहेंगे, जो क्लास 7, क्लास 8, क्लास इससे है, ठीक है। तो आपको 70-80% जो है कहां से रहेगा, वो व्याकरण से रहेगा। तो साथियों आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब क्या पढ़े ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा। आप गणित के, अगर गणित से स्नातक आप किए हैं तो भैया गणित तो पढ़ सकते हैं आप गणित तो पढ़ सकते हैं, तो गणित के लिए भी आपका क्लास चल रहा है। आप विज्ञान से हैं तो विज्ञान के लिए भी आपका क्लास चल रहा है। आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपके लिए क्लास चालू कर दिया गया है। सबसे पहले, सबसे आसान भाषा में, सबसे बेहतरीन ढंग से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। नवंबर में एग्जाम ले लेगा, 1 नवंबर का ले लो, 1 नवंबर से पहले हम सिलेबस कंप्लीट करा करके आपको रिवीजन मोड में ले चलेंगे, ठीक है, रिवीजन मोड में ले चलेंगे। और इतनी बेहतर ढंग से आप क्लास को अगर कर लेते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है, हर सुविधा, हर फैसिलिटी उपलब्ध है, आसानी से एकदम सफल हो जाना और एक पद आपका जो है वो सुरक्षित कर। तो साथियों निश्चित रूप से अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए, चीजें समझ में आई हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी पर जुट जाइए। विलंब किए तो फिर नुकसान आपका है। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए।